नमस्कार जी, कैसे आप सब लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं गुवाहाटी से मध्य प्रदेश खजुराहो बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। मेरा मम्मी है, पापा है, और ये अंकल आंटी जी भी जा रहे हैं हम लोग के साथ। बागेश्वर धाम एक साथ जा रहे हैं। गुवाहाटी स्टेशन के अंदर बहुत सुंदर पिक्चर्स फोटोज लगे हुए हैं। सीधा आप लोग देख रहे हैं आसाम के बिहू फोटो, बहुत सुंदर से सजाया है। वाओ, उस तरफ टिकट रिजर्वेशन है। हम लोग का ट्रेन है गुवाहाटी बर्मा एक्सप्रेस, 2 मिनट से पहले पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4। अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक जा रहे हैं। गुवाहाटी से मध्य प्रदेश खजुराहो तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आप किसी भी ट्रेन से प्रयागराज पहुंच जाए। प्रयागराज से खजुराहो तक 3 ट्रेन है। ट्रेन नंबर 19436 आसानसोल से अहमदाबाद एक्सप्रेस, ये ट्रेन प्रयागराज सीओके जंक्शन से सुबह 7:05 जाती है, दोपहर 12:25 में खजुराहो पहुंच जाती है। सेकेंड ऑप्शन है ट्रेन नंबर 14116 डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, प्रयागराज डिपार्चर टाइम आफ्टरनून 3:20, दोपहर को 3:20 टाइम में प्रयागराज पहुँचते हैं और रात को 9 बजे खजुराहो पहुँच जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है ट्रेन नंबर 01026 बालिया तो दादर एक्सप्रेस, प्रयागराज से डिपार्चर टाइम है रात को 9:50 टाइम में प्रयागराज पहुंचते हैं और प्रयागराज से खजुराहो सुबह मॉर्निंग 5:30 टाइम में पहुंच जाते हैं। अराइवल टाइम मॉर्निंग 5:30। और एक ऑप्शन है गुवाहाटी से बरौनी जाइए, बरौनी से एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 19484 बरौनी टू अहमदाबाद एक्सप्रेस। इस ट्रेन का टाइमिंग है इवनिंग 7:35 बरौनी से और नेक्स्ट डे दोपहर को 12:25 टाइम में खजुराहो पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग का ट्रेन चलना शुरू हो गया है। ये है कामाख्या स्टेशन गुवाहाटी का। कामाख्या स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं डिपोर बिल, ये खूबसूरत लेक है, लोग घूमने आते हैं। हम इसके ऑपोजिट साइड से क्रॉस कर रहे हैं।
मिर्जा स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रिज का नाम है नर नारायण सेतु। अभी हम लोग असम न्यू बोंगाईगांव स्टेशन पहुंचे हैं। बोंगाईगांव स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। NJP स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी बेंगल का। अभी NJP स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। अभी हम लोग प्रयागराज स्टेशन में है। प्रयागराज से हम लोग जा रहे हैं खजुराहो मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम। हम लोग का ट्रेन है डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 10 में है और डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 10 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जाते हैं। ये है हम लोग का ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 10 में पहुंच चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस। डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 10 नंबर प्लेटफॉर्म से खजुराहो से होकर जाती है। हम लोग का ट्रेन अभी चलना शुरू हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश खजुराहो बागेश्वर धाम तक। केबल ब्रिज अभी हम लोग खजुराहो पहुंच गए हैं। खजुराहो से बागेश्वर धाम 25 से 30 किलोमीटर दूर है। शेयर ऑटो के किराया पर पैसेंजर 50 रुपीज़ लगता है, तो 50 रुपया खजुराहो से बागेश्वर धाम। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अभी हम लोग खजुराहो से बागेश्वर धाम तक जा रहे हैं। सिटी होटल हम लोग बहुत जल्दी सुबह उठे हैं।
बागेश्वर धाम में होम स्टे बहुत ज़्यादा है, बागेश्वर धाम में आसपास ही रहने का इंतज़ाम है। हम लोगों ने ये वाला रूम लिया है रहने के लिए। ये है गुरुजी के दरबार हॉल। दरबार हॉल के ऊपर एसी रूम है। अगर आप लोगों को एसी रूम में रहना है तो एसी रूम बुकिंग करना होगा। अभी भक्त लोग जिगजैग लाइन में खड़े हैं। जिगजैग लाइन से ही मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं भक्त लोग। सन्यासी बाबा जी का, दादा गुरु जी का, पेटा सरकार जी का, हनुमान जी का दर्शन, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी का। हजारों लाखों भक्त यहाँ आते हैं। अभी आरती हो रही है। अभी 5 बज चुके हैं और ये है यज्ञशाला। सीताराम हनुमान उस तरफ देखिए, भक्त लोग परिक्रमा कर रहा है। मंगलवार शनिवार को मंदिर में दर्शन करने से फल मिलता है। ये जो पेड़ है पेड़ा सरकार, किसी के अंदर अगर भूत पेड़ अगर घुसा है तो वो अंदर से निकल देता है, और किसी को अगर भूत बाधा है तो वो भी हटा देते हैं। ये है सन्यासी बाबा जी का समाधि। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आकर दिया अगरबत्ती जलाकर अपने मनोकामना बोलकर हनुमान चालीसा के 5 पाठ करने होते हैं। उसके बाद मंदिर की 21 परिक्रमा करने का नियम है। ये है श्री बागेश्वर धाम कार्यालय। यहाँ महाप्रसाद मिलता है।
50 का जोड़ा निकालो बागेश्वर धाम में बहुत सारा दुकान है, मैक्सिमम दुकान 24 घंटा खुला रहता है। ये है राम दरबार, राम दरबार के अंदर भगवती मिलते हैं। दोपहर से शाम तक रात तक यहाँ लोगों को भंडारा देते हैं। इसके ऑपोजिट टेंट है, वहाँ पे भंडारा बनाते हैं। अभी हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं। अभी हम लोग 21 बार परिक्रमा कर रहे हैं। ये है हिंदू राष्ट्र फ्लैग। हम लोग का परिक्रमा किस बार हो गया है।
रमजान निकलो में भी गुरु जी हॉल के अंदर इतने दरबार लगा रहे हैं। इस टेंट में भंडारा बनाते हैं। भंडारी होता है ना दोपहर दोपहर में ना दोपहर में सुबह शाम दोपहर में मैं YouTube चैनल है वाह ये गधा इतना सुंदर दिख रहा है। लोग इस गधा को भी दिए अगरबत्ती जला के बहुत लोग दर्शन करते हैं। अभी भक्त लोग राम दरबार के बाहर लाइन में खड़े हैं भभूति लेने के लिए। राम दरबार के अंदर फोटो वीडियो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोगों को राम दरबार के अंदर दिखा नहीं पाए। मेरा वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय, नाइस टू मीट यू ऑल, लव यू ऑल। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।